दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डैम स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज एक बार फिर मैं आपको एक धार्मिक खबर जो है वो सुनाने जा रहा हूं कि जिले के विभिन्न गांवों में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन जो है वो निकाले जा रहे हैं, प्रभात फेरियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं। और आज दोबारा अगर बात करूँ तो गाँव कौलपुर से लेकर गढ़वाल तक जो है एक बड़ा नगर कीर्तन जो है वो संतों द्वारा निकाला गया, जो कौलपुर की स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी देख रेख में ये नगर कीर्तन जो है वो गांव स्थित गुरुद्वारा से शुरू हुआ और दशमेश नगर से चक सवारियाँ नाके से होता हुआ गढ़वाल तक पहुंचा और गढ़वाल से वापस ये नगर कीर्तन जो है वो फिर गाँव कौलपुर में पहुँचा, जहाँ पर श्रद्धापूर्वक जो है नगर कीर्तन का समापन हुआ। और जब नगर कीर्तन गांव कौलपुर से सुबह शुरू हुआ तो पूर्व मंत्री मनजीत सिंह जो थे वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने नगर कीर्तन को वहां से शुरू करवाया और जो नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे थे खालसा की वेशभूषा में, सिख जदों की वेशभूषा में पंच प्यारे, उनको उन्होंने हार पढ़ाकर उनका स्वागत किया। और जो स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने भी सरोपा भेंट कर पूर्व मंत्री मनजीत सिंह को सम्मानित किया। मैं आपको बता दूं कि 5 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस जो है वो धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर दिन किसी न किसी गांव में नगर कीर्तन जो है वो निकाला जा रहा है। सुबह अगर तड़के की बात करूं तो प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं और नगर कीर्तनों की धूम जो है वो जिले के सीमावर्ती और मैदानी क्षेत्रों में जहां पर भी खासकर विशेषकर जहां पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर धूम मची हुई है और विभिन्न बिरादरियों के लोग जो हैं वो भी नगर कीर्तन में शिरकत कर नगर कीर्तन की रौनक बढ़ा रहे हैं। और जहाँ से वहाँ से भी नगर कीर्तन निकलता है लोग जो है नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी को जो है वो नमन करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि फूलों से सजे विशेष वाहन पर जो था गुरु ग्रंथ साहब की पालकी सवार थी और पांच प्यारे जो है वो नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे थे। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह से समूचा सीमावर्ती क्षेत्र जो है आज भी गूंजता रहा। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डैम स्टेट समाचार।